हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इससे पहले हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट रेवेन्यू ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में विद ग्राफ विद कर्व्स हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वैसे इस लेक्चर से पहले कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो मेरा वीडियो है वो आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इस टॉपिक को समझने से पहले ये जो प्रोड्यूसर इक्विबियम का जो टॉपिक है इसको समझने से पहले कॉस्ट एंड रेवेन्यू के जो ग्राफ है ना कर्व उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है राइट right? तो चलिए फिर मैं डिटेल में बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रोड्यूसर कौन होता है फिर प्रोड्यूसर इक्विब्रियम क्या होता है ठीक है उसके बाद मैं बताऊंगी तीन टर्म है एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट ये क्या होता है उसके बाद फाइनली हम मेन मुद्दे की बात करेंगे दैट इज कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यानी कौन सी कंडीशन है जिस पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव करता है ठीक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो बताऊंगी बट किस कंडीशन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को हिट करता है इस, उस स्टेज को रीच करता है तो वो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे और मैं ग्राफिकली आपको ग्राफ से समझाऊंगी कि क्यों वो कंडीशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कही जाती है ठीक है तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं राइट और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर ओवर होने के बाद अगर आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है आज के इस लेक्चर में तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि मेरे चैनल पे कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है विद नोट्स एंड नुमेरिकल मैंने बहुत डिटेल में हर टॉपिक पढ़ाया है ठीक है तो बस मैं यही चाहती हूँ कि इनका फायदा उठाएं मैंने आपके लिए अपने चैनल पे आज की तारीख यानी दिसंबर 2021 तक अपने चैनल पे 300 सौ अप्रोक्सिमेटली तीन के आसपास वीडियो अपलोड किए हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपको इस स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं तो बस मैं यही चाहूंगी कि इनका फायदा उठाएं खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इनको शेयर करें ठीक है तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर सबसे पहले तो ये सवाल आता है प्रोड्यूसर कौन होता है तो प्रोड्यूसर इज अ पर्सन प्रोड्यूसर वो होता है हु अंडरटेक्स प्रोडक्शन प्रोड्यूसर वो होता है जो प्रोडक्शन करता है किसी कॉमोडिटी का ठीक है और उसका पर्पस क्या होता है टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ठीक है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना दिस इज द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर का पर्पज क्या होता है प्रोडक्शन करना कॉम्योडिटी का प्रोडक्शन करना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके ठीक है है एंड प्रॉफिट क्या होता है? वैसे मैंने लास्ट टाइम पे जब आपको रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पहले हमने कॉस्ट पढ़ा है उसके बाद लास्ट मेरा लेक्चर रेवेन्यू पे था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है वो सोचते हैं कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज सेम नो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सेम नहीं होता है ठीक है रेवेन्यू तो सेल्स रिसिप्ट होती है कॉमोडिटी सेल की गई तो उससे जो पैसा रिसीव हो रहा है दैट इज रेवेन्यू ठीक है उसमें से खर्चों को कॉस्ट को माइनस करेंगे तब जो निकल के आता है दैट इज प्रॉफिट ठीक है तो ये जो प्रोड्यूसर होता है उसका काम होता है प्रोडक्शन करना और उसका पर्पस क्या होता है टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट ये जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना दिस इज पर्पस ऑफ प्रोड्यूसर ठीक चलिए अब मैं आपको बताती हूँ प्रोड्यूसर इक्विबियम क्या होता है तो प्रोड्यूसर्स इक्विबियम वो सिचुएशन है वो स्टेज है ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी वो स्टेज जिस पे प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है मैक्सिमम हो उस स्टेज को कहा जाता है प्रोड्यूसर इक्विबियम ठीक है अच्छा आप लोग कंज्यूमर इक्विब्रियम पढ़ चुके हैं ना कंज्यूमर क्या था जिस स्टेज पे कंज्यूमर को मैक्सिमम मिले वो था कंज्यूमर इक्विब्रियम यहाँ पे हम प्रोड्यूसर इक्विब्रियम की बात कर रहे हैं वो स्टेज जहाँ पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम एक तरीके से प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले तो प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा जब उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलेगा ठीक है प्रोड्यूसर का तो काम ही यही है प्रोडक्शन करना ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके तो प्रोड्यूसर इक्विब्रियम क्या है प्रोड्यूसर इक्विब्रियम वो स्टेज है वो सिचुएशन है जिसपे उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होता है ठीक है तो दिस इज प्रोड्यूसर इक्विब्रियम या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विब्रियम यानी वो स्टेज ऑफ आउटपुट दैट लेवल ऑफ आउटपुट उतना आउटपुट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे यानी उस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम की स्टेज मिलती है जिस स्टेज पे उसका प्रॉफिट क्या होता है मैक्सिमम होता है ठीक है जबकि दूसरे लेवल्स पे ठीक है अच्छा एग्जांपल लेती हूं जैसे सपोज करिए कोई प्रोड्यूसर है उसका जो इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है दैट इज हंड्रेड यूनिट ठीक है आपने कैलकुलेट किया ठीक है तो आपका निकल के आया आपने ग्राफ से निकाला तो निकल के आया कि जो प्रोड्यूसर है उसकी इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है हंड्रेड यूनिट इसका मतलब क्या है एट हंड्रेड यूनिट ऑफ आउटपुट सौ यूनिट ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूसर अर्न कर रहा है ये मतलब है ठीक है जबकि वो 100 यूनिट से कम अगर प्रोडक्शन करता है तो उसको कम प्रॉफिट हो रहा है या 100 से ज्यादा भी प्रोडक्शन करता है तो भी उसको कम प्रॉफिट हो रहा है ठीक है लेकिन 100 यूनिट पे क्या है प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है दिस इज प्रोड्यूसर इक्विबियम इसी को प्रोड्यूसर इक्विबियम कहते हैं ठीक है तो ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेज होती है एट दैट लेवल वो लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम वो लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो एनी अदर लेवल इसके अलावा कोई भी दूसरा लेवल होगा उससे ज्यादा या उससे कम जैसे अगर हंड्रेड यूनिट इक्विब्रियम की स्टेज है तो नाइनटी नाइन पे कम प्रॉफिट होगा एक सौ एक पे कम प्रॉफिट होगा एक सौ दो पे कम प्रॉफिट होगा बट एट हंड्रेड यूनिट ऑफ आउटपुट अगर ये प्रोड्यूसर इक्विबियम की स्टेज है तो इस स्टेज पे क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूसर अर्न करेगा ठीक है और प्रॉफिट क्या होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू माइनस कॉस्ट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट दिस इज द प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है देखिए एक तो है एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा जब टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट जब टोटल रेवेन्यू जो ऑर्गेनाइजेशन को टोटल रेवेन्यू अर्न हो रहा है रेवेन्यू मतलब अर्निंग सेल्स रिसिप्ट सेल करने से जो पैसा रिसीव हो रहा है ठीक है दैट इज टोटल रेवेन्यू जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा ठीक है तो क्या तो जो प्रॉफिट होता है दैट इज एब प्रॉफिट ठीक है जिसको एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं और अगर टी आर इज ग्रेटर देन टीसी है ठीक है तो अगर मैं दोनों को क्यू से अगर डिवाइड कर दूं दोनों को क्यू से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा ए आर इज ग्रेटर देन ए सी ए आर इज ग्रेटर हो जाएगा ना एवरेज रेट इज ग्रेटर कंडीशन ऑफ एब नॉर्मल प्रॉफिट उसी की जगह अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं तो नॉर्मल प्रॉफिट वो स्टेज होती है जिसपे क्या है टी आर इज इक्व टू टी सी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है टी आर इज इक्व टू टीसी यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के अगर बराबर है तो हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट तो अगर मैं दोनों को क्यू से डिवाइड कर दू टीआर और टीसी को क्यू से डिवाइड कर दू तो क्या आ जाएगा ए आर इक्व ए सी आ जाएगा ठीक है यानी नॉर्मल प्रॉफिट क्या है नॉर्मल प्रॉफिट वो स्टेज है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट वो स्टेज है वो मिनिमम रिटर्न है जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम इट्स कैपिटल इन्वेस्टेड प्रोड्यूसर ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में ठीक है उसमें से कम से कम तो इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए कम से कम इतना रिटर्न तो आना ही चाहिए इसी को कहा जाता है नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आई नॉर्मल प्रॉफिट क्या है वो मिनिमम रिटर्न जो प्रोड्यूसर को चाहिए ही चाहिए सौ रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वापस रिटर्न में सौ रुपए मिलने ही चाहिए ठीक है तो उस स्टेज को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट और सौ रुपए ज्यादा रिटर्न मिल रहा है दो सौ रुपए का रिटर्न मिल रहा है तो दैट इज एव प्रॉफिट ठीक है और अगर उससे कम मिल रहा है तो क्या है सब नॉर्मल प्रॉफिट उससे कम मिल रहा है तो वो क्या है सब नॉर्मल प्रॉफिट तो प्रोड्यूसर अर्न करता है सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉसेस या फिर दूसरे शब्द में उसको लॉसेस कह सकते हैं ना लॉस कब होता है जब रेवेन्यू कम हो खर्चा ज्यादा हो टोटल रेवेन्यू कम हो टोटल कॉस्ट ज्यादा हो दोनों को क्यू से डिवाइड करिए तो यानी ए कम हो ए सी ज्यादा हो एवरेज रेवेन्यू कम हो और एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो तो इसको कहते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है तो ये तीन टाइप के प्रॉफिट हैं थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताने जा रही हूं कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत पूछा जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है वो तो हम समझ गए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जिस पे प्रोड्यूसर को क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी स्टेज पे उसी लेवल ऑफ आउटपुट पे होता है ठीक है लेवल ऑफ आउटपुट मतलब प्रोड्यूसर इतने यूनिट प्रोड्यूस करे तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दैट इज द स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ठीक ये तो समझ में आ गया बट वो स्टेज है कौन सी कितने लेवल ऑफ आउटपुट सवाल आता है ना ये तो हमें समझ में आ गया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है ठीक है ये तो हमने समझ लिया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेकिन वो स्टेज वो स्टेज है कौन सी वो जो मैं कह रही हूँ कि दैट लेवल ऑफ आउटपुट तो वो कितना लेवल ऑफ आउटपुट है ठीक है ये कैसे निकालेंगे तो इसी के लिए ये कंडीशन दी गई है तो यानी वो लेवल ऑफ आउटपुट जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करे ठीक है वो लेवल ऑफ आउटपुट यानी उतने नंबर ऑफ यूनिट जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करे वो होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेज ठीक है अब एक चीज वैसे तो ये जो अब मैंने यहाँ पे तीन कंडीशन लिखी है वैसे तो आपको अधिकतर बुकों में स्टार्टिंग की यही दो कंडीशन मिलेगी ठीक है बट कुछ बुकों में मैंने देखा कि ये थर्ड कंडीशन भी है ठीक है तो इसलिए मैं थर्ड भी लिख रही हूँ यहाँ पर बाकी ये जो अधिकतर कुछ बुकों में आपको मैक्सिमम बुकों में फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ही मिलेगी ठीक है तो फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख देंगे तो काफी है आपका अभी मैं ग्राफ से जब बताऊंगी आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड से ही आपको पता चल जाएगा कि एकब्रियम की स्टेज कौन सी है चलिए अब मैं एक एक करके कंडीशन बताती हूँ पहली कंडीशन क्या है पहली कंडीशन है उस स्टेज एम सी क्या है सब मैं लास्ट के दो लेक्चर में बता चुकी हूँ एम आर इज मार्जिनल रेवेन्यू एम सी इज मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक एडिशनल यूनिट सेल करने पे जो एक्स्ट्रा एक एडिशनल रेवेन्यू uh, जो अर्न होता है एक एडिशनल यूनिट सेल करने पे जो एडिशनल रेवेन्यू अर्न होता है उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू ठीक है revenue, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो एडिशनल खर्चा होता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ठीक है तो पहली कंडीशन क्या है प्रोड्यूसर देखिए मैंने यहाँ लिखा है प्रोड्यूसर रीच करता है इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज सैटिस्फाइड ये जो तीन कंडीशन है सैटिस्फाई हो तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेज पे पहुंचता है पहली क्या है एम आर टू एमसी ठीक दूसरी क्या है दूसरी कंडीशन क्या है MC, should be rising. MC क्या होना चाहिए और जब बराबर पे पे MC rising हो 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 जिस स्टेज पे पे में में ना ठीक है MC शुड बी राइजिंग दिस इज द सेकेंड कंडीशन थर्ड कंडीशन जो कुछ बुकों में दिया है वो क्या है AR जो है ए आर इज हम, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ ए आर क्या है एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज सेम एज प्राइस एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होता है ठीक है तो एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एबीसी एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के यानी जो प्राइस है ठीक है जिस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो या तो ज्यादा हो या बराबर हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से यानी जो प्राइस है वो कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो खर्चा है उसे कवर करे ठीक है तो उस स्टेज को हम प्रोड्यूसर कहते हैं तो ये तीन कंडीशन है पहली कंडीशन याद करिए पहली कंडीशन क्या है देख के बताइए MR आर इक्वल्स टू एम दूसरी कंडीशन क्या है MC शुड बी राइजिंग व्हेन MR आर इक्वल्स टू एम तीसरी कंडीशन क्या है AR शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए ठीक अब मैं आपको बताती हूँ ग्राफ से ठीक है एक टेबल बनाते हैं फिर हम ग्राफ से समझते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेज कौन सी है तो चलिए एज्यूम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वहां पे क्या होता है अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वहां पे प्राइस इज कॉन्स्टेंट प्राइस कॉन्स्टेंट होती है एंड प्राइस ही तो ए होता है एवरेज रेवेन्यू बताया था ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस कॉन्स्टेंट होती है ठीक है प्राइस कॉन्स्टेंट होती है और प्राइस ही तो ए होता है और अगर ए आर इज कॉन्स्टेंट तो एम आर इज ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट ए आर अगर कांस्टेंट है तो एम आर भी कांस्टेंट आता है ये क्यों आता है ये आपको लास्ट लेक्चर में मिलेगा जहां पे मैंने रेवेन्यू पढ़ाया है वहां पे ए आर एम आर और इन सब के कर्व पढ़ाए हैं और कॉस्ट पे मेरे दो लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने ए सी एम सी टी सी ठीक है ए सी टी uh, एफ सी सबके मैंने कर्व बताए हैं ग्राफ बताया है ठीक है तो वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है इसीलिए जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तो कोई बात नहीं अगर नहीं देखा है ना तो थोड़ा सा अगर आप पिछले मेरे जो तीन लेक्चर हैं दो कॉस्ट पे और एक रेवेन्यू पे वो अगर देख लेंगे ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉस्ट और रेवेन्यू का क्लियर हो जाएगा क्योंकि वहीं से हमने ये ग्राफ बनाया है ठीक चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ Uh, सबसे पहले तो हम एज्यूम करते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है तो परफेक्ट मार्केट में प्राइस कॉन्स्टेंट होती है ठीक है है प्राइस प्राइस इज और मैं बता चुकी कि इक्वल्स टू होता एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, है. क्यों होता है इसका डेरिवेशन भी क्यों होता है कैसे होता है ये दोनों ही चीज मैंने पिछले लेक्चर में बताई है ठीक है तो प्राइस कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ए आर कॉन्स्टेंट है और ए आर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब क्या है एम आर कॉन्सटेंट है अगर एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है ठीक है यानी प्राइस कांस्टेंट है तो एडिशनल रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है वो भी तो कांस्टेंट होगा वो आप टेबल से भी समझ सकते हैं या एक नॉर्मल एग्जाम्पल चलिए आपको देती हूँ सपोज करिए मैं पेन सेल कर रही हूँ और पेन की कॉस्ट है दस रुपए ठीक है मैं एक पेन सेल कर रही हूँ तो भी दस रुपए की दो भी दस रुपए की तीन भी दस रुपए की चार भी पेन दस रुपए की सेल कर रही हूँ प्राइस सेम है ठीक है तो प्राइस सेम है तो अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू की बात करूं तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है एडिशनल रेवेन्यू जब मैं एक एडिशनल यूनिट सेल करूं यही तो होता है मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू जब मैं एक एडिशनल यूनिट सेल करूं तो जब मैं एक एडिशनल यूनिट सेल करी तो दस रुपए का प्रॉफिट रेवेन्यू आ रहा है ना फिर एक एडिशनल पेन सेल करनी हो तो फिर दस रुपए का आ रहा है फिर एक एडिशनल पेन सेल रही हो तो दस रुपए का आ रहा है तो आप देख रहे हैं एडिशनल रेवेन्यू कितना आ रहा है दस रुपए जो कांस्टेंट है क्यों क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है ठीक ये बात समझ में आई तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस कॉन्स्टेंट होती है ठीक है यहाँ लिखती हूं मैं प्राइस यहाँ पे हाँ प्राइस कॉन्स्टेंट होती है ठीक है तो इसलिए ए आर कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि ए आर एंड प्राइस इज सेम और ए आर कॉन्स्टेंट होता है इसकी वजह से एम आर कॉन्स्टेंट होता है ठीक यहाँ तक समझ में आया अब चलिए आपको टेबल से समझाती हूँ पहला कॉलम बनाया मैंने आउटपुट का ठीक है ये आउटपुट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, से लेके इलेवन तक फिर एम आर मार्जिनल रेवेन्यू तो हम इन यहाँ पे अज्यूम किया है कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना है ट्वेल्व रुपीज पर यूनिट मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वेल्व रुपीज ठीक है तो मार्जिनल रेवेन्यू ट्वेल्व है और ये क्या है कॉन्स्टेंट है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का केस है ठीक और हम जानते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो एमसी होता है मार्जिनल कॉस्ट होता है वो क्या होता है इनिशियली इट इज फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा आउटपुट बढ़ता जाएगा मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है घटती जाती है ये मैंने कॉस्ट का जो मेरा लेक्चर है उसमें डिटेल में बताया कि जो एमसी है मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है घटती जाती है और फिर एक लेवल पे आके फिर उसके बाद वापस फिर से बढ़ती जाती है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व क्या होता है यू शेप कर्व होता है ये देखिए इसीलिए एमसी का कर्व ऐसे करके बनाया है ठीक है तो मार्जिनल कर्व क्या होता है इनिशियली फॉल करता है और उसके बाद राइस करता है क्यों क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इसके पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ ठीक है इवन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इसीलिए मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने केवल यही लॉ डिटेल में डिस्कस किया है है ठीक तो उसकी वजह एमसी ऐसा एमसी का जो कर्व होता है वो ऐसा होता है एमसी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है पहले घटती है जैसे जैसे इस ग्राफ में देखिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट पहले घटती है उसके बाद फिर क्या होती है बढ़ती है ठीक है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ठीक यहां तक समझ में आ गया अब चलिए ये टेबल बन गई अब मैं ग्राफ आपको बनाना बताती हूँ तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एम सी क्या लिया है? पहले पंद्रह लिया फिर घटते हुए बारह दस नौ आठ सात ठीक फिर उसके बाद फिर से राइस किया है आठ नौ दस बारह पंद्रह ठीक है इसलिए एमसी की वैल्यू हमने ये ली है अब चलिए आपको ग्राफ में बताती हूँ एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया आउटपुट वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट को प्लॉट कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले चलिए ए आर एंड एम आर को प्लॉट करते हैं तो प्राइस कह लीजिए चाहे ए आर कह लीजिए चाहे एम आर कह लीजिए वो क्या है ट्वेल्व तो यहाँ पे कहीं ट्वेल्व है ये पॉइंट ट्वेल्व है ठीक है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है ये जो प्राइस है जो एम आर है वो कॉन्स्टेंट है तो कैसा ग्राफ बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा चाहे आप एक यूनिट आ, एक यूनिट सेल करें दो यूनिट तीन यूनिट चार यूनिट का प्रोडक्शन करें पांच यूनिट छह यूनिट जितने यूनिट को सेल करें प्राइस क्या है प्राइस इज सेम ट्वेल्व तो ग्राफ कैसा बनेगा हॉर्जोनटल लाइन ये ग्राफ बना ठीक है तो हमने एक ग्राफ तो बना लिया एमसी का ग्राफ कैसा होता है एमसी हम जानते हैं यू शेड कर्व होता है तो यू शेड एमसी का कर्व हमने ऐसे करके बना दिया ठीक है और इसकी वैल्यू देख के जैसे एक पे कितना है पंद्रह ये मैंने यहाँ पे ग्राफ रफली बनाया बट आप अगर ऐसे बनाना चाहें तो एक्स एक्सिस पे वन उसके अगेंस्ट वाई एक्सिस पे क्या है फिफ्टीन एक्स एक्सिस पे टू उसके अगेंस्ट वाई एक्सिस पे क्या है ट्वेल्व एक्स एक्सिस पे थ्री उसके अगेंस्ट वाई एक्सिस पे क्या है टेन एक्स एक्सिस पे फोर उसके अगेंस्ट वाई एक्सिस पे क्या है नाइन ऐसे करके जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना तो एमसी का कर्व ऐसे करके बनेगा ठीक है मैंने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है तो ये ग्राफ बन गया तो ये बन गया हमारा एम आर का और MC का कर्व बन गया तो अब हम चलिए देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेज कहाँ पे है तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की एम आर इक्वल टू एम सी तो एम आर इक्वल टू एम सी कहाँ पर होगा जहां पे दोनों कर्व इंटरसेट करेंगे वहीं पे तो होगा एम आर इक्वल टू एम सी तो एम आर और MC कहाँ पे इंटरसेट करें एक ये पॉइंट है इसको नाम दे दो एस वन इसको नाम दिया है क्यू वन ठीक है तो ये हो गया Q1 वन एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक क्या है Q2 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी और MC A और B, इन दोनों पॉइंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो होगा क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का तो नहीं अभी तो ये केवल पहली कंडीशन है दूसरी कंडीशन क्या थी दूसरी कंडीशन थी कि एम सी शुड बी राइजिंग एम सी राइज करता होना चाहिए ठीक है आप यहां पर देखिए Q1 पे एम सी इज फॉलिंग एमसी क्या कर रहा है फॉल हो रहा है ना जबकि बी पॉइंट या क्यू टू पे देखिए एमसी इज राइजिंग एम सी यहाँ पे राइज कर रहा है यानी दिस इज द दोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विबियम ये है प्रोड्यूसर इक्विबियम की स्टेज कौन सी Q2 क्यों क्योंकि यहाँ पे पहली और दूसरी कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही है पहली कंडीशन क्या है एम आर इक्व एम सी और दूसरी क्या है एम सी यहाँ पे राइज कर रहा है इसलिए ये जो Q2 है दिस इज द पोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विबियम ठीक तो इस तरीके से निकाला जाएगा एग्जाम में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो तीनों कंडीशन लिखेंगे ये टेबल बनाएंगे ये ग्राफ बनाएंगे और सारी बात यहां पे लिखेंगे देखिए मैंने लिखा है कि, Q2 पे क्या है एम आर इक्व टू एमसी है एंड एमसी इज राइजिंग ठीक है इसलिए दैट इज द स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ठीक है इस स्टेज पे क्या होगा प्रॉफिट इज मैक्सिमम फिर आप यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना तो ये आउटपुट पे जिस लेवल पे कट करे ये सपोज करिए L2 पे कट कर रहा है सपोज करिए ये 100 यूनिट पे कट कर रहा है ठीक है तो यानी 100 यूनिट पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ठीक है इसके आगे प्रोड्यूसर बढ़ेगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है इसके नीचे भी प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है बट एट हंड्रेड यूनिट प्रोड्यूसर इज मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट सो दिस इज द स्टे दिस इज प्रोड्यूसर इक्लिब्रियम स्टेज ये है ठीक है और इसके साथ एक चीज तीसरा जो कंडीशन मैंने बताया था ये भी चेक करते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो या तो इक्वल्स टू या मोर देन होना चाहिए एबीसी के एबीसी के एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस प्राइस इतनी होनी चाहिए ताकि वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले एवरेज वेरिएबल के जो खर्चे है ना वो कवर कर ले इतनी होनी चाहिए तो ये थर्ड कंडीशन है ठीक अब थोड़ा सा मैं इस ग्राफ के बारे में एक बा, ये बताना चाहती हूँ देखिए ये जो एरिया मेरी पेन जहाँ पे अब ये काफी आ, मतलब इस ग्राफ में काफी गोचा गोची हो गई मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताती हूँ अब जरा इस ग्रा, ग्राफ में देखिएगा इस ग्राफ में ये वाला जो एरिया है ये जो एरिया है इस एरिया के बारे में देखिए क्या है इस एरिया में क्या है एम सी इज मोर देन एम आर ये वाला जो एरिया है इस एरिया में क्या है एमसी इज मोर देन एम आर एम सी का कर्व ऊपर है एम आर नीचे है तो एम सी इज मोर देन एम आर तो एम सी ज्यादा है एम आर कम है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे तो लॉस हो रहा है और वैसे भी जब प्रोडक्शन इनिशियली कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन शुरू करता है ठीक है तो क्या होता है इनिशियली तो उसे प्रॉफिट होना शुरू नहीं होता ना इनिशियली कॉस्ट ज्यादा होता है रेवेन्यू कम होता है तो इसीलिए जब वो इनिशियली जब आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू किया तो क्या है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा मार्जिनल रेवेन्यू कम है ठीक है बट वो जब प्रोडक्शन करता रहा प्रोड्यूसर करता रहा और थोड़ा सा आगे बढ़ा है तब जाके एक स्टेज ये आई जहां पर एमआरएमसी बराबर हुए और फिर उसके बाद ये वाली स्टेज आई अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखिए एमआर इज ग्रेटर देन एमसी इस वाली स्टेज की अगर मैं बात करूं इस स्टेज में क्या है mr is greater than mc तो यानी जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन बढ़ाता गया बढ़ाता गया तो इस वाली स्टेज में क्या आया mr is greater than mc यानी अब जाके प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होना शुरू हुआ ठीक है यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है ठीक है फिर एक स्टेज आई क्योंकि mc जो मार्जिनल कॉस्ट है ना ये ठीक है कम होती जाती है मार्जिनल कॉस्ट कम होना अच्छी बात है ठीक है यानी जो खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं Additional unit produce करने में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो cost आ रही है वो कम आ रही है, लेकिन ये एक लिमिट तक ही कम आती है उसके बाद फिर से मार्जिन कॉस्ट बढ़ने लगती है तो एम आर इज मोर देन एम सी था तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा था हो रहा था ठीक है लेकिन एम सी फिर से राइज करने लगा क्यों क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण तो mc बढ़ने लगा फिर बढ़ने लगा तो फिर से एक स्टेज आई mr to mc फिर से एक स्टेज आई mr to mc क्योंकि यहाँ पे कट किया ठीक है तो सपोज करिए जिस पॉइंट पे कट किया ये थी 100 यूनिट्स ठीक है अब इसके ऊपर अगर 100 से अब 101 102 103 यूनिट प्रोडक्शन करता है तब इस एरिया में देखिए वापस क्या हो रहा है इस एरिया में फिर से क्या है mc इज ग्रेटर देन mr एमसी ज्यादा है एम आर से यानी कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से तो यहाँ अगेन क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ना तो यानी इस एरिया में लॉस है इस एरिया में लॉस है प्रॉफिट तो इसी एरिया में है प्रॉफिट क्या है इसी एरिया में हो रहा है ठीक है और इस एरिया में यहाँ पर तो प्रॉफिट होना शुरू हुआ है अगर मैं Q1 ये वाली स्टेज बताऊं Q1 से तो प्रॉफिट होना शुरू हुआ है तो प्रोड्यूसर यहाँ तो रुकेगा नहीं अभी तो बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है तो प्रोड्यूसर तो अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा 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 यहाँ तक बढ़ता जाएगा पर इस स्टेज पर जब पहुंचेगा इसके आगे प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो लॉस होने लगेगा ठीक है तो ये क्या है ये लास्ट स्टेज है जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए Q2 टू इस पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये वो पॉइंट है जहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेज रीच करता है ये वो पॉइंट है जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है

कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर इक्विपियम के बारे में आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा इजी कॉन्सेप्ट है ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है ठीक है बट इससे पहले आपको कॉस्ट और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगला लेक्चर मेरा सप्लाई पे है थ्योरी ऑफ सप्लाई कोशिश करूंगी चार से पांच लेक्चर में सप्लाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूं वैसे डिमांड अगर आपको समझ में आ गया है ना तो सप्लाई भी एकदम सेम पैटर्न पे वैसे ही है ठीक है बहुत इजली आप समझ जाएंगे तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू